ये बड़ी विजन कंपनी का CRT टीवी है। इसमें ग्रीन और ब्लू कलर आ रहे हैं, लेकिन इसमें रेड कलर मिस है। तो आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये रहा इस टीवी का CRT बेस और ये रही इस टीवी की किट। ये बीडियो विजन कंपनी का 14 इंच का CRT टीवी है और इसमें जो है चाइनीज़ किट है। तो इस टीवी की पहले ही पिक्चर ट्यूब ख़राब थी, तो मैंने वो पिक्चर ट्यूब चेंज कर दी है। इस टीवी में कलर तो आ रहे हैं, लेकिन ब्लू और ग्रीन कलर आ रहे हैं, रेड कलर नहीं आ रहा है। इसमें RGB सेक्शन होता है, रेड ब्लू और ग्रीन। तो सबसे पहले हम इसके जो वोल्टेज है वो चेक कर लेंगे। तो मल्टीमीटर को पहले मैंने DC वोल्टेज में सेट कर लिया है। अब हम तीनों कैथोडों में वोल्टेज चेक करेंगे जो CRT टीवी का बेस है। जो भी कलर मिस होगा उसके वोल्टेज एकदम बढ़े हुए होंगे। तो सबसे पहले हम ब्लू कैथोड के वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ लगभग 104 के वोल्टेज आ रहे हैं, और अगले जो सेक्शन है उसमें वोल्टेज चेक करेंगे यहाँ कितने आ रहे हैं। रेड कैथोड में यहाँ लगभग 168 वोल्टेज आ रहे हैं, तो इसके वोल्टेज जो हैं बड़े हैं। ये देखिए, दोबारा से हम वोल्टेज आपको चेक करा देते हैं। जो भी कलर हमारा मिस होगा उसके वोल्टेज जो है बड़े हुए होंगे। इस किट की जो बेस बोर्ड है उसमें तीन ट्रांजिस्टर लगे हैं RPG सेक्शन में। वो तीनों ट्रांजिस्टर बिल्कुल ओके हैं। यहाँ बेस बोर्ड में सभी कंपोनेंट जो है बिल्कुल ओके हैं, मैंने पहले ही चेक कर लिए हैं। इस टीवी का बोर्ड है वो भी बिल्कुल ओके है, IC भी बिल्कुल ओके है। तो हम आपको बताते हैं कि फॉल्ट कहाँ से बन रहा है। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए। हम ध्यान से बेस बोर्ड के सभी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। अब हम चलते हैं मेन मदरबोर्ड की तरफ, जिसमें नीचे फंक्शन IC लगा है। वहाँ हम RGB सेक्शन के जो भी सिग्नल है वो चेक करेंगे। तो हमने मल्टीमीटर को DC वोल्टेज में सेट कर लिया है पहले ही। तो ये रही RGB सेक्शन, यहाँ जो है सिग्नल आना ज़रूरी है। यहाँ सिग्नल जो है आ रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो हम ये जो रेजिस्टेंस लगे हैं यहाँ बीच सिग्नल जो है चेक करेंगे। आप ध्यान से देखिए कि हमारा जो फॉल्ट है कहाँ बनता है। अब ये जो तीन डायोड लगे हैं यहाँ हम सिग्नल चेक करेंगे। ये जो तीन डायोड होते हैं RGB सेक्शन में, ये ग्राउंड होते हैं। तो यहाँ कोई ना कोई डायोड जो है ख़राब होगा। हमारा जो मेन फॉल्ट है वो रेड कलर का है, रेड कलर जो है मिस है। यहाँ रेड कलर का जो डायोड है वो बाहर निकालेंगे, फिर TV को ऑन करेंगे। हमारा जो कलर बन गया तो ठीक है, हमारा फॉल्ट ओके हो गया है। कई बार जो डायोड है वो बिल्कुल ख़राब होता है, पर मीटर में सही बताता है। रहा इस TV का जो मेन IC है, यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो डायोड लगा है इसे हम बाहर निकाल लेंगे। इसकी हम एक पिन जो है ओपन करके देख लेंगे पहले, फिर बाद में ये जो नया डायोड है ये डाल देंगे। फिर हम TV को ऑन करके ये पता कर लेंगे कि हमारा जो फॉल्ट है ओके होता है कि नहीं होता है। तो फॉल्ट हमारा ओके हो गया, तो ये जो पार्ट बनता है ये डायोड का बनता है। तो आप ध्यान से देखिए, हम ये जो डायोड है वो निकाल लिया है। इसका एक तरफ जो पिन है वो बिल्कुल ही खाली कर ली है। अब मैं आपको वोल्टेज चेक करा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ जो सिग्नल है वो पूरे आ रहे हैं। 2.6, पहले 1. कुछ वोल्टेज आ रहे थे। ये देखिए, यहाँ भी जो रेड कलर के वोल्टेज है 107 हो गए हैं। तो पहले ये वोल्टेज जो है 168 आ रहे थे। ये देखिए, फिर से आपको चेक करा देता हूँ, यहाँ 109 वोल्टेज आ रहे हैं। तो हमारा जो फॉल्ट है बिल्कुल ओके हो गया। मैं अब TV को ऑन करता हूँ। ये देखिए, अब कलर अच्छे हो गए हैं,
वो हमारा फॉल्ट बिल्कुल ओके हो गया है, बिल्कुल कलर से ही आ रहे हैं। बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।